हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सटी ऑनलाइन में। जैसे कि हम लोग एक नेमिंग रिएक्शन की एक प्लेलिस्ट बना रहे थे, जिस प्लेलिस्ट की एक रिएक्शन ए बी थी नेमिंग रिएक्शन में, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी हेलो एल्केन और हेलो एडिंग वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें हम जिस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। फिनक्लेस्टीन में जो हम लोग बनाते हैं वो होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड। क्या बनाते हैं? अल्काइल आयोडाइड, मतलब अल्काइल मतलब कार्बन की चेन के साथ क्या लगा होगा, आयोडीन लगा होगा, उसी को अल्काइल आयोडाइड बोलेंगे। तो वो काइल इन्होंने ऑफन फॉर्मड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड विद द प्रेजेंस ऑफ एनआयल इन ड्रायथिन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमारे पास कोई दिया हुआ है आर सी एल दिया हुआ है, या फिर ठीक है अभी सी एल मान लेते हैं और साथ में कर दे देंगे एन ए आई सोडियम के साथ आयोडाइड, और किसके प्रेजेंस में डालना है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में डालना है, और यहां से ये बन जाएगा आर आई और साथ में एन ए सी एल निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये आर बी आर होता तो एन ए आई डालने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन क्या बन जाता, आर आई बन जाता, एन ए बी आर निकल जाता। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि X क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे आयोडीन क्या हो सकता है। अगर मैं R X की बात करूं तो X क्या क्या हो सकता है, X Cl हो सकता है या फिर बी आर हो सकता है। ठीक है, आयोडीन लगाने के लिए। अब ठीक है, एन ए सी एल और एन ए बी आर क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह भी आता है, एन ए सी एल एन ए बी आर कहा गया। तो एन ए सी एल और एन ए बी आर प्रेसिपिटेट बन गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जाके जम गया। क्या हुआ? ड्राई एसीटोन में क्या हुआ? नीचे जाके जम गया। ठीक है, यही थी हमारी फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। फिनक्लेस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी अल्काइल हैलाइड में आयोडीन लगाने की कोशिश करी थी। सिर्फ एक यही ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एलिफेटिक में मतलब चेन वाले कार्बन में क्या लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एनएआई एंड ड्राई एसीटोन। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी नेमिंग रिएक्शन याद कर सके, क्योंकि ये नीट और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।